अगली खबर आ रही है मध्य प्रदेश के रीवा जिले से, जहां बैकुंठपुर थाना क्षेत्र के बरहा 344 का रहने वाला आलोक उर्फ विपिन मिश्रा 1 नवंबर से लापता हो गया था। परिजनों के द्वारा तलाश की गई, लेकिन जब कहीं सुराग नहीं लगा तो 3 तारीख को बैकुंठपुर थाना पहुंचकर गुमशुदगी दर्ज कराई। परिजन तलाश कर ही रहे थे कि रविवार को जानकारी हुई कि सिमरिया थाना क्षेत्र के मोहरवा नदी में एक युवक का शव देखा गया है। गुमशुदा युवकों की जानकारी परिजनों को दी गई तो युवक के परिजन पहुंचे और उसकी शिनाख्त कर ली। आलोक के भाई ने बताया कि 1 तारीख को जब वह घर से निकला था, स्कूटी सवार 2 युवक उसका पीछा कर रहे थे। उन्हें आशंका है कि पुरानी रंजिश को लेकर उसके साथ कोई बड़ी वारदात हुई है। फिलहाल पुलिस सबका पोस्टमार्टम कराकर परिजनों को सौंप दिया है और मामले की जांच कर रही है। आइए सुनाते हैं परिजनों का क्या कहना है। क्या घटना घटी? ग्राम बरहा 344 से हैं। आलोक मिश्रा उर्फ विपिन, ये मेरा भाई है। विगत 1 तारीख से ये लापता हुआ। कुछ सरहंगों द्वारा पता चला है कि झगड़ा हुआ इसका है, और वहाँ से 1 तारीख से किसी ने इसका पीछा किया है, और 3 तारीख को हमने FIR बैकुंठपुर थाने में दर्ज करवाई है, और आज पता चल रहा है कि वहाँ पर लाश मिल रही है। तो उम्मीद पाई जाती है कि जिनसे वो झगड़ा किया है, हो सकता है उनके माध्यम से ऐसा कुछ कार्रवाई हुआ जी। इससे बच्चे सब तो तैरते बनता था ना? जी हाँ, बिल्कुल तैरते बनता था। मतलब घटना की हुई है? हाँ, घटना की हुई है, बिल्कुल संदेह के दायरे में। ये जब घर से निकले तो क्या बोल के निकले? ये बोला तो कुछ नहीं था। खैर, निकलने से पहले जो है तो कुछ लोगों के साथ मिलने गया है, जिनका नाम मुझे जानकारी नहीं है, और दोबारा आया है घर के पास। घर के पास ही खड़ा था, तभी पता चला है कि घर से 100 मीटर की दूरी पे 2 स्कूटी से 2 लोग इसका पीछा किए हैं, और उस दरमियान से वो लापता है। आप किसी को पहचानते हैं? कौन है? अभी तो मैं नहीं पहचानता हूँ। क्या नाम है आपका? विवेक मिश्रा। जो ये खत्म हुए इनका क्या नाम है? आलोक मिश्रा। कितनी उम्र है होगी इनकी? तकरीबन 26-27 साल। कौन से थाने में आपने इसको सूचना दी थी? बैकुंठपुर थाने में FIR करवाई थी 3 तारीख को। मिले कहाँ से हमें? ये मिले हैं नदी में, ये जिस क्षेत्र में मिले हैं वो मोहरवा कहलाता है, थाना शाहपुर लगता है वहाँ का। ठीक।